नामांकन की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2020 रहेगी। 30 तारीख को बिहार सरकार का अवकाश है, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अवकाश नहीं है, इसलिए उस दिन नामांकन लिए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूँ आपके साथ शिवम। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का कुछ दिन पहले निधन हो गया था, उसके बाद जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है उसको लेकर जो उपचुनाव होने हैं वो 14 दिसंबर को होने हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह जानकारी दी है कि जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो आज से चालू होकर 3 दिसंबर तक चलेगी, और जो कार्यालय रहेगा नॉमिनेशन का वो कमिश्नर कार्यालय ही रहेगा, और यहाँ पे ही जो उम्मीदवार हैं वो अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं। और उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। है मतलब जो मतपत्र होगा उसमें नोटा जो आम चुनाव में रहता है वो इस इलेक्शन में नहीं रहता है, उसकी कमीशन की चिट्ठी आ गई है। तो आप लोग को ये सारे नोटिफिकेशन और अधिसूचना की कॉपी उपलब्ध करवाई गई आज ही निर्वाचन आयोग के द्वारा। सुबह 9 बजे इस पूरे चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, और अधिसूचना की प्रति आप सबको अभी उपलब्ध करवा दी गई है। और इसके लिए जो वोटर लिस्ट है वो भी विधानसभा से प्राप्त हो गई है, सभी माननीय सदस्य अभी इसमें वोटर्स हैं, और वो उनकी सूची विधानसभा और इलेक्शन कमीशन से हमें प्राप्त हो चुकी है। क्रिएट हुई थी श्री रामविलास पासवान जी के आकस्मिक निधन से, और वो वैकेंसी को पूरा करने के लिए आज नामांकन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इस बार राज्यसभा निर्वाचन के लिए प्रमंडलीय आयुक्त को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है, और उनके सहयोग के लिए 3 सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं, और आज से नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2020 रहेगी, और इसके बीच में 28 तारीख को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अवकाश है, इसलिए 28 तारीख को नामांकन नहीं लिए जाएंगे। 29 तारीख को रविवार है इसलिए नामांकन नहीं लिए जाएंगे। 30 तारीख को बिहार सरकार का अवकाश है, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अवकाश नहीं है, इसलिए उस दिन नामांकन लिए जाएंगे। तो 3 तारीख तक जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं वो 3 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 4 तारीख को इसकी स्क्रूटनी की जाएगी, और 7 तारीख तक लोग नाम वापस ले सकेंगे। यदि 7 तारीख के बाद मतदान की आवश्यकता पड़ती है तो 14 दिसंबर को मतदान होगा, और मतदान विधानसभा के ऊपर जो वाचनालय कक्ष है उसमें मतदान की प्रक्रिया होगी, और उसी दिन काउंटिंग होकर के रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जो भी महानुभाव नामांकन दाखिल करना चाहते हैं वो नामांकन पत्र की प्रति यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है वो भी इस कार्यालय में जमा कर सकते हैं, जो 10,000 रुपये सामान्य के केस में और 5,000 रुपये अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के केस में होगी। इसमें प्रपत्र 26 में शपथ पत्र दाखिल करना अनिवार्य हुआ, जैसे अन्य चुनावों में आवश्यक होता है। जो भी अगर राजनीतिक दलों से खड़े हैं तो उन्हें अपना सर्टिफिकेट प्रपत्र ए और बीबी में देना पड़ेगा, और अन्य कागजात हैं उसकी सूची है उनको उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। इसमें जो वोटर्स होंगे वो सभी माननीय विधायक होंगे, जो माननीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण होते हैं, निर्वाचित सदस्यगण केवल वो ही वोटर्स होते हैं इसमें। और इसमें पेपर बैलेट के माध्यम से अगर आवश्यकता होगी तो पेपर बैलेट के माध्यम से चुनाव होगा, और वो चुनाव करवाया जाएगा। कोविड को देखते हुए जो सभी प्रिकॉशंस चुनाव में लिए जा रहे हैं उसके लिए निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि वो सभी प्रिकॉशंस निर्वाचन में लिए जाएंगे, और इस पूरे निर्वाचन के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रेक्षक के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है। नामांकन इसी कार्यालय कक्ष में 3 तारीख तक होंगे, और इसके लिए हम लोगों ने विधानसभा के माननीय सचिव तथा सभी माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी विधानसभा के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, और इसके लिए जो पारदर्शिता के तहत ये पूरा चुनाव करवाया जाएगा, और इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।
पूरी व्यवस्था का वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य कार्य जो आवश्यक होंगे वो किए जाए। तो आपने सुना, पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल का साफ तौर पे कहना है कि जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो आज से चालू हो गई है और 3 दिसंबर तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी और जो उसके समय निर्धारित है वो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि जो नॉमिनेशन का तारीख आ गया है तो जो उम्मीदवार हैं वो अपना नॉमिनेशन कब तक दाखिल करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।